हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। वो हेयर ऑयल है इंदुलेखा भृंगा ऑयल, और ये जो ऑयल है ये 100% आयुर्वेदिक ऑयल है। और अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो कि हेयर फॉल हो रहा है, तो वो इस ऑयल को, हेयर ऑयल को रिकमेंड ज़रूर करेंगे। और ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कम करता है, हेयर लॉस हो रहा है और आपको एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको एवरीडे अगर आपके 100-150 से ज़्यादा बाल गिर जाते हैं, मतलब आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है और आपको तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, ये जो हेयर ऑयल है ये क्लिनिकली प्रूवन है। और इस हेयर ऑयल में जो बेस है वो कोकोनट ऑयल का यूज़ किया गया है और भृंगा ऑयल, मतलब भृंगराज ऑयल यूज़ किया गया है। इसके साथ ही इसमें 11 हर्ब्स यूज़ की गई हैं और कुछ एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए गए हैं। इस ऑयल का जो कुकिंग प्रोसेस है उसमें कोई भी हीट यूज़ नहीं किया गया है, जिससे इसके जो भी न्यूट्रिशन है वो बरकरार है और हीट के कारण वो ख़त्म नहीं होते हैं। इसको सनलाइट में कुक करके बनाया गया है, तो ये इस हेयर ऑयल की खास बात है। एक जो और ख़ास बात है वो है इसका पैकेजिंग। इसका जो ये बॉटल है इसमें कॉम दिया हुआ है, जिससे इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जब हम नॉर्मल हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारे रूट्स पे नहीं लग पाता, पर इसके साथ जो इनका कॉम आता है, इसका जो एप्लीकेशन का जो ये बॉटल है वो बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रूट्स में जाके लगता है, डीप पेनिट्रेट होता है और बहुत अच्छे से हमारे हेयर पे काम करता है। इसमें यूज़ किया गया है भृंगराज। भृंगराज हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारे जो रूट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है। श्वेता कुताजा इसमें यूज़ किया गया है, ये एक टाइप का हर्ब है और बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू में या लोशन में, जो भी आयुर्वेदिक लोशन होते हैं एंटी डैंड्रफ होते हैं, और या फिर आपको इन्फेक्शंस एलर्जीज हैं स्कैल्प पे, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें आंवला यूज़ किया गया है। आंवला जो होता है, विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का और बालों को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया गया है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ इसमें नीम, एलोवेरा, ब्राह्मी, याष्टी, अमृता, दक्षा जैसे अच्छे अच्छे हर्ब्स यूज़ किए गए हैं, जो कि बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्या सिर्फ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कम करता है, इसके साथ भी कुछ काम करता है या नहीं। तो ये डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं उनको भी ट्रीट करने में ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। ये हेयर ऑयल क्लेम करता है कि अगर आप इसको 4 वीक्स तक रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपका हेयर फॉल काफ़ी कम हो जाएगा, हेयर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। इसको आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करें। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसको, इसका जो बॉटल है इसकी हेल्प से आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लीजिए और इसको 2 से 3 घंटे तक लगे रहने दीजिए, या फिर मैं तो इसको ओवरनाइट यूज़ करती हूँ और मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ। आप ये ऑयल वीक में 2 से 3 बार तक लगाइए, आपको 15-20 दिनों में ही आपका हेयर फॉल है वो कम होता दिखाई देने लगेगा और हेयर से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी। तो अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा ये हेल्प हेयर फॉल में ही करता है, इसके साथ फिर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, तो आप ये सारी प्रॉब्लम से परेशान हो, कोई अच्छा सा हेयर ऑयल देख रहे हो जो आयुर्वेदिक हो, जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हों और जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और अफोर्डेबल हो, तो आप बिल्कुल इस हेयर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आप भी अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो बिल्कुल इस हेयर
हेयर ऑयल को यूज़ करके देखिए, और मेरे साथ आप शेयर ज़रूर करना कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। ये जो पैक है ये 22 ml का पैक है, 99 rupees का आता है, ये ट्रायल पैक है, पर 15-20 दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्वांटिटी इतनी है। और भी पैक्स आते हैं, इसके साइजेस अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देखो, और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।